नमस्कार बच्चों, और कैसे हो? बढ़िया हो? देखो, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। अपन डिस्कस कर रहे थे क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी में अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? रिप्रोडक्शन, या मैं कह दूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? बोलो भाई, इसमें भी क्या पढ़ रहे थे अपन? मेल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे थे? मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेक्शन व्यू को जाना था कि जो मेल पेल्विक है उसमें जो सेक्शन व्यू में जो मेल का रिप्रोडक्शन है वो कैसा दिखता है। उसके बाद अपन ने टीएस काटा था। क्या काटा था? टीएस। टीएस काटने के बाद अपन ने बहुत सारी बातें की थी। देखो एक बार, अपन जान रहे थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दिख रहा है ना सबको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अपन बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें कर रहे थे। ये नहीं दिख रही? कौन सी? करे बताओ। अब देखो, अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। इसमें अपन ने जाना था, सबसे पहले अपन ने बात की थी कि जो प्राथमिक प्राथमिक प्रजनन अंग, प्राथमिक प्रजनन अंग कि मेल में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन हो कौन है, मेल में जो प्राथमिक प्रजनन अंग है वो है वर्षण। कौन है? वर्षण। बोले तो टेस्टिस, टेस्टिस। इसके बाद अपन ने जाना था कि इसके अलावा जितने भी भाग है वो क्या है? सहायक भाग। क्या है? तो सहायक, सबसे पहले नलिकाओं की बात करते हैं। बोलो भाई, सहायक नलिकाएं कौन कौन सी थी? अधिवर्षण, अधि वर्षण, शुक्रवाहिका, वर्षण जालक, शुक्रवाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, और बोलो भाई। और लास्ट में अपने बात की थी स्खलन वाहिनी, स्खलन स्खलन वाहिनी। इसके अलावा अपन ने बात की थी सहायक ग्रंथि। इसकी बात की थी सहायक ग्रंथि। बोलो भाई, नाम बोलो फटाफट। सहायक ग्रंथि कौन कौन सी थी? सबसे पहले बात की थी अपन ने किसकी? शुक्राशय की। इसके बाद बात की थी किसकी? प्रोस्टेट। इसके बाद बात की थी अपन ने बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। और लास्ट में अपन ने बात की थी बाह्य जननांग। किसकी बात की थी? बाह्य जननांग, बाह्य जननांग। अपन बाह्य जननांग में सीसन, क्या होता है सीसन? अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो नर प्रजनन तंत्र है, इसके जो जो प्राथमिक भाग है वो तो कौन बनाता है? वर्षण। कौन बनाता है? वर्षण। इसके अलावा जितने भी भाग हैं ये क्या है? सहायक। क्या है? सहायक। तो ये सबसे पहले बात करेंगे सहायक नलिकाओं की। किसकी बात करेंगे? सहायक नलिकाओं की। अधिवर्षण, शुक्रवाहिका, वर्षण जालक, शुक्रवाहिकाएं और स्खलन वाहिनी, ये क्या है? सहायक नलिकाएं। क्या है? सहायक नलिकाएं। इसके बाद बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की। सहायक ग्रंथि शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ये क्या है बेटा जी? सहायक ग्रंथि। क्या है? सहायक ग्रंथि।
और लास्ट में जो भाई जन्नांग हो क्या है, सीसन। इसकी बातें अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे। अपन ने जाना था कि जो शुक्राणु का निर्माण है वो कहां पे होगा, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, वर्षण में। कहां होता है, वर्षण में। इसके अलावा जितने भी भाग हैं ये सब शुक्राणु निर्माण के लिए क्या करेंगे, सहायता करेंगे। क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? अपन ने वर्षण पढ़ लिया था, सहायक नलिकाएं पढ़ ली थी। आज अपन बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की और फिर बाह्य जननांग की। जो लोग नए आए हो फटाफट से चार्ट बना लो। पीछे की क्लास आप यूट्यूब पे देख लेना, तीन क्लास हो, तीन या चार क्लास हो चुकी है अपनी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आए तो बता देना। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ा लो फटाफट। हाँ भाई, वो कहाँ गए तेरे साथी, टाइम लगेगा वापस आने में। नाम तो सुन रखे होंगे पहले से। हाँ प्राथमिक प्रजनन अंग, वर्षण, सहायक नलिका मैं पढ़ा चुका। आप कल तीन या चार लेक्चर हैं, आराम से यूट्यूब पे जाके अपना जो चैनल है इसके माध्यम से आप देख सकते हो। हो गया, देखो एक बार समझ लो पूरा फटाफट, 5 या 7 मिनट में अपन रिवीजन कर लेते जितना पढ़ चुके उतना। अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं, मानव प्रजनन तंत्र। कि जो मानव का प्रजनन तंत्र है इसको अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। इन दो तंत्रों से मिलकर क्या बना है, मानव प्रजनन तंत्र। तो अपन यहां पढ़ रहे हैं नर प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं, नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र में आपको पता है जो इसमें क्या होगा, सबसे पहले युग्मकों का निर्माण क्या होगा, और युग्मक जो नर के लिए अपने युग्मक की बात करेंगे उसे बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण होगा। अब शुक्राणु का निर्माण करने के लिए दो प्रकार के अंग है, मतलब एक तो प्राथमिक और इसके अलावा सारे क्या है, सहायक। क्या है, सहायक। प्राथमिक जो अंग है जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है वो कौन है, वर्षण। कौन है, वर्षण। टेस्टिस, कौन है, टेस्टिस। ये हमारे शरीर से बाहर स्थित होता है, क्यों, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण बॉडी तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर होता है, 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर होता है। जैसे हमारे शरीर का तापमान है भाई साहब 37 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो शुक्राणु का निर्माण होगा लगभग 34 डिग्री सेल्सियस पे, लगभग 34 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात क्लियर। इसलिए जो वर्षण है वो हमारे शरीर से बाहर, मतलब उदर गुहा से बाहर, एक थैलेनुमा संरचना जिसे बोलते हैं स्क्रोटम में स्थित होते हैं। क्लियर, जहां पे क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण। इसके अलावा जो शुक्राणु के निर्माण के लिए सहायता करेंगी, सबसे पहले बात करेंगे सहायक नलिकाएं, फिर बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की। तो जो सहायक नलिका है सबसे पहले आती है अधिवर्षण। नाम सुना होगा, अधिवर्षण में क्या होता है, शुक्राणु बने कहां पे है, वर्षण में, इकट्ठे कहां रहेंगे, अधिवर्षण में शुक्राणु अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, अस्थायी रूप से। एक 6 मीटर लंबी नली होती है, 6 मीटर लंबी नली होती है, यहां पर अस्थायी रूप से संग्रहित होंगे और आगे की प्रक्रियाओं के लिए यहां पर एनर्जी प्राप्त करते हैं, मतलब सक्रिय होंगे। क्या होंगे, सक्रिय। सक्रिय कहां पे होते हैं, अधिवर्षण में। कहां होते हैं, अधिवर्षण में। इसके बाद बात करेंगे शुक्र वाहिका, शुक्र
वाई का, जो वर्षण से अधिवर्षण में शुक्राणु को लेके आएगी, उस नलिका का नाम है शुक्र वाई का। क्या नाम है? शुक्र वाई का। इसके बाद वर्षण जालक, जो इन नलिकाएं जहां से वर्षण और शुक्र वाहिकाएं इनके बीच में प्रेजेंट होता है वर्षण जालक, जहां पे शुक्राणु इकट्ठे होंगे, वर्षण जालक। इसके बाद कहेंगे अधिवर्षण में, किसके द्वारा? शुक्र वाहिका के द्वारा। और लास्ट में शुक्र वाहिका इन शुक्राणुओं को अंदर से, मतलब बाहर से अंदर जाएगी और मूत्र वाहिनी के पीछे से घूम के वापस आएगी। और कहां खुलेगी ये? मैं कह दूं शुक्राशय के साथ मिलेगी। किसके साथ मिलेगी? शुक्राशय के साथ। और लास्ट में शुक्राशय और शुक्र वाहिका मिलकर किसका निर्माण करेंगे? स्कलन वाहिनी का। स्कलन वाहिनी 2 से 2.5 मीटर लंबी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। ये पीछे का हो चुका, इसको आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, बिल्कुल बाकायदा क्लास डाली गई है। आज अपन पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि। ये चीज क्लियर हुई ना? अब देखो, तो आज अपन बच्चों बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की। आज अपन बात करने वाले हैं दो से ढाई सेंटीमीटर। अब देखो, बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो सहायक ग्रंथि होती है, बोलो भाई नाम बोलो फटाफट। शुक्राशय, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तीनों हिंदी मीडियम, दोनों लिखूंगा मैं तो। वैसे आपका मीडियम कौन सा है? बात करेंगे शुक्राशय की। शुक्राशय को बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। अगला बोलो भाई, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बोलिए, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये लो भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगला बोलो, बल्बो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, या इसका नाम क्या था? काउपर ग्रंथि, काउपर। सबसे पहले बात करेंगे संख्या की। किसकी बात करेंगे बच्चों? संख्या की। देखिए फटाफट संख्या की बात करते हैं। यहां पे इसकी संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। इसकी संख्या बोलो प्रोस्टेट की, 1। और 5 लोब होते हैं भाई इसके, जिसमें से 2 लोब तो आपको दिखते हैं बाहर वाली साइड, 3 कहां होते हैं? अंदर वाली साइड। टोटल 5 लोब होते हैं। और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कितनी होती भाई? कितनी होती है? 2। मैं कह सकता हूं पेयर्ड। जहां जहां 2 का नाम आया, इसका मतलब क्या बोलेंगे? पेयर्ड, युग्मित, मतलब युग्म के रूप में पेयर्ड। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गया। अब देखिए ध्यान बोर्ड पर ध्यान से सबका, पीएच की बात करेंगे। पीएच की, पीएच ये जो स्राव छोड़ेगी, ये जो पदार्थ छोड़ेगी, उसका पीएच होगा लगभग 7.3 से 7.4 के बीच। कितना होगा? 7.3। इसका पीएच कितना है? 7.3। और 7.3 अगर पीएच आ गया तो बताइए क्या बोलूंगा, अम्ल या क्षार? अगर पीएच 7 है, इसका मतलब भाई साहब उदासीन है। क्या है? उदासीन। 7 से कम अम्लीय है, 7 से ज्यादा क्षारीय है। अरे ये चीज पता है कि नहीं है? तो इसका स्राव कैसा हो गया? क्षारीय है। स्राव कैसा होगा इसका? क्षारीय है। अब देखो इसके पीएच की बात करते हैं। इसका पीएच कितना होगा भाई? इसका पीएच होता है लगभग 6.8। 6.8 तो अपन कह सकते हैं हल्का अम्लीय है, हल्का अम्लीय या फिर क्षारीय है। हल्का अम्लीय या क्षारीय है। कई किताबों में पीएच क्षारीय लिखा होता है, कई किताबों में हल्का अम्लीय लिखा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगली बात करते हैं
इसके पीएच की बात करते हैं, इसका पीएच होता है लगभग 7.4 के आसपास। इसका स्राव भी कैसा है? क्षारीय। कैसा स्राव है? क्षारीय स्राव। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखो जो शुक्राशय का स्राव है इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होंगी, शुक्राशय का जो स्राव है इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होंगी, इसके स्राव की बात करते हैं। ध्यान रखना भाई, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछता है। देखो इधर, सबसे पहले तो इसमें फ्रक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रक्टोज, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है शुक्राणु को? आपको पता है कोई भी सेल जो कार्बोहाइड्रेट है उससे क्या लेती है? ऊर्जा। क्या लेती है? ऊर्जा। तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा मेजर अमाउंट में? फ्रक्टोज। क्या होगा? फ्रक्टोज शर्करा। फ्रक्टोज शर्करा, ये क्या काम करेगी? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा बोल भाई, ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज अगली बात करेंगे, यहां पर कैल्शियम प्रेजेंट होगा, ये +2 प्रेजेंट होगा। और बोल जो वीर्य बनेगा, इस वीर्य को स्कंदन करने वाले कारक भी यहां प्रेजेंट होंगे, मतलब इसको जमाने वाले कारक भी यहां प्रेजेंट होंगे। तो मैं कह सकता हूं स्कंदन कारक, स्कंदन कारक, स्कंदन कारक। बोले तो फाइब्रिनोजन कौन सा कारक है? बोलो भाई, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। ध्यान रखना फाइब्रोनोजन एक स्कंदन कारक है। क्या है? स्कंदन कारक। ये चीज यहां पर प्रेजेंट होगी। और क्या प्रेजेंट होंगे? इस शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए कुछ कारक का नाम है, तुमने नाम सुना भी होगा, प्रोस्टोग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, 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 प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? मतलब जो शुक्राणु है इसको जो अंडाणु है वहां तक पहुंचाने के लिए ऐसे जो वेजाइना पैसेज है उसमें संकुचन देंगे। क्या देंगे? संकुचन। ये प्रेजेंट हो गया। अब मैं कह दूं ये कितना परसेंट भाग बनाता है, तो ये जो मैं कह दूं वीर्य का 60% भाग बनाएगा। कितना भाग बनाता है? 60% वीर्य का 60% भाग होता है। कितना भाग हो गया? 60%। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि जो आपकी शुक्राशय है, शुक्राशय का स्राव में क्या क्या चीज होंगी? फ्रक्टोज शर्करा होगी, कैल्शियम होगा, स्कंदन कारक होंगे, फाइब्रिनोजन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, और वीर्य का कितना परसेंट भाग बनाएगा? 60%। कितना भाग बनाएगा? शुक्राशय। कौन बनाएगा? शुक्राशय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ कि ना। अब देखो प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करेंगे, इसके स्राव में क्या क्या चीज प्रेजेंट होंगी? देखो इसका स्राव मैं कह दूं, इसका स्राव रंग कैसा होगा? दुधिया, पारदर्शी, ध्रुव होता है। दुधिया पारदर्शी ध्रुव होता है। देखो भाई इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होंगी? कैल्शियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, और मैं कह दूं फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनो, फाइब्रिनोलाइसिन। अरे लाइसिन से नाम आ रहा होगा, लाइसोसोम का। इसका मतलब ये ऐसे कारक होते हैं जो बाद में क्या करेंगे? वीर्य को वापस घुलित अवस्था में लेके आएंगे, वापस घुलित अवस्था में लेके आएंगे। और क्या होते हैं? स्कंदन कारक, स्कंदन कारक। ये कितना परसेंट भाग बनाएगा भाई? लगभग 30% भाग बनाता है। कितना परसेंट? अरे बोल भाई, ये कितना भाग बनाएगा? 30%। कितना भाग बना रहा है? 30%। कितना भाग बना रहा है? 30%। अब देख जो बल्बो यूरिथल ग्रंथि है इसका जो स्राव है, ये मैं कह दूं यह है क्षारीय स्राव, क्षारीय स्राव, क्षारीय
स्रावित करती है, स्रावित करती है, करती है। देखो इसका काम क्या होगा, इसका काम एक तो स्नेहक, इसमें लुब्रिकेंट होते हैं, स्नेहक कारक, स्नेहक कारक उपस्थित होते हैं। स्नेहक कारक क्यों उपस्थित होते हैं, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो उस दौरान जो रगड़ लगती है, फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहां पर कुछ लुब्रिकेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लुब्रिकेंट या स्नेहक कारक उपस्थित होते हैं। अगली बात देखो भाई, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ के गया था लास्ट क्लास में, कि जो हमारा मूत्र मार्ग है, जो मूत्र है वो कैसा होता है, अम्लीय है। कैसा होता है, अम्लीय है, और अम्ल की उपस्थिति में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, शुक्राणु। अब ये देखो सारे स्राव कैसे हैं, क्षारीय है। ये सारे स्राव इसलिए है उस अम्लता को खत्म करने के लिए, ताकि जो आपका मूत्र जनन पथ है, मूत्र जनन पथ, कि जिधर से वीर्य आता है उधर से क्या आता है, मूत्र कॉमन पथ है। मान लो पहले यूरिन किया गया या पेशाब किया गया है, तो पूरा का पूरा पथ कैसा हो गया, अम्लीय। कैसा हो गया, अम्लीय। अब इसलिए क्षार डाला जा रहा है उसमें, ताकि क्या हो सके, पथ उदासीन, क्या हो सके, उदासीन। तो मैं कह दूं यह है मूत्र जनन पथ को, मूत्र जनन पथ को उदासीन करती है, उदासीन करती है, उदासीन करती है, उदासीन करती है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात। एक बात और लिखूंगा कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसके अंदर हल्की मात्रा में इसका जो पीएच अम्लीय कैसा हुआ, इसमें साइट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। और मैं कह दूं इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन भी उपस्थित होते हैं, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन भी उपस्थित होते हैं। तो यहां मैं इसको थोड़ा सा, अरे समझ में तो आ रहा है क्या, हाँ भाई, अब देखो देखो भाई, मैं कह सकता हूं यहां पे साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल होता है, और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन भी हो सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी हो सकते हैं उपस्थित। इसका मतलब होता है प्रेजेंट। और ये लगभग कितना परसेंट भाग बनाता है, लगभग 10% भाग बनाता है। एक बार बताओ ग्रंथिया क्लियर हुई कि नहीं हुई, अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई, फटाफट लिखो फिर रिवीजन करते हैं। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से पिछली क्लास से और ले लेना, पूरा चीज हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ये टॉपिक, 3 क्लास हुई है, कोई तो डाउट आए तो आराम से पूछ लेना, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो बिना झिझके हुए आराम से पूछ सकते हो भाई, शर्म करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। आपने खूब सारे एग्जाम दिए होंगे, इनमें से खूब सारे क्वेश्चन आए होंगे गवर्नमेंट एग्जामों में, यहां से आपको खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो यहां पर बोर्ड पे जितनी इंफॉर्मेशन है, इनमें से आपको लगभग लगभग तो कम से कम भी जैसे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिला होगा, तो एक एग्जाम दिया तो सुपरवाइजर में वायल हो जाती नहीं। साइट्रिक अम्ल प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार से एक मतलब रसायन होता है, क्या होता है, रसायन, केमिकल होता है, जो इस संकुचन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन।
इसको फाइब्रिनोजन आएगा ना, फाइब्रिनोजन, 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 इसको फाइब्रिनोजन लिखना भाई, फाइब्रिनोजन, नोजन, हाँ फाइब्रिनोजन लिख देता हूँ मैं, कारक फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन कहते हैं इसे, ये एक प्रकार से स्कंदन कारक है। क्या है? स्कंदन कारक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करेगा, मैं कह यहाँ कह सकता हूँ, यह है योनि में संकुचन करता है, संकुचन करता है, कि जब वीर्य योनि में जाएगा तो शुक्राणु को अंदर तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई तुम गे आ रहा समझ में बढ़िया से? एक बार फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुक्राशय की, किसकी बात करेंगे, शुक्राशय। बोलो भाई शुक्राशय कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं? अरे यार अलर्ट होके बैठो, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मैं कोई लाइव क्लास ले रहा हूं, दिखाया करो कि हाँ एनर्जी है यार। आप अभी मतलब बिल्कुल जवान हो, मतलब प्रदर्शन किया करो कि हाँ सर हम बिल्कुल जवान है, एनर्जेटिक फुल रखा करो आराम से। आप तो ऐसे हो गए जैसे बस सर हमारा तो सब कुछ ही लुट गया। क्लास में हमेशा पॉजिटिव एप्रिशिएट माइंड से बैठा करो भाई, पॉजिटिव रहा करो, क्योंकि ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो ऐसे तो किताबें ही खूब है, ऐसे तो किताबें ही खूब है। क्लास में क्यों आते हो तुम लोग, ताकि मास्टर जो बात बोले तुरंत याद हो जाए, तुरंत चीजें सीख जाए, सीखने के लिए आते हो ना। मास्टर केवल बस एक प्रकार से किताब और स्टूडेंट के बीच का एक प्रकार से एक मतलब टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है जिसके माध्यम से उस किताब को इजी वे में दे देता है, बाकी चीज उसके पास उतनी है जितनी किताब में। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं सहायक ग्रंथि, किसकी बात करते हैं, सहायक ग्रंथि। कितनी होती है सहायक ग्रंथि? तीन। कैसे हुई? दो और दो चार और एक पांच, कितनी हो गई? पांच। बोलो भाई शुक्राशय कितने होते हैं? दो। शुक्राशय कितने होते हैं? दो। शुक्राशय कहां प्रेजेंट होंगे? शुक्राशय जो हमारा मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं शुक्राशय। दो ग्रंथियां हैं। क्या है? दो ग्रंथि जो क्या बनाएंगी? वीर्य का स्राव। क्या बनाएंगी? वीर्य का स्राव। सबसे पहले बात करते हैं पीएच कितना होगा? 7.3। इसका मतलब क्षारीय स्राव, क्षारीय स्राव। बोलो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे? फ्रक्टोज, शर्करा। क्या काम करेगी? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेगी। क्या काम करेगी भाई? ऊर्जा प्रदान करेगी। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन बोलते हैं स्कंदन कारक, स्कंदन का मतलब होता है जमना, उसको जमाएगी। इसकी इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे केमिकल होते हैं जो योनि में संकुचन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? संकुचन। और कितना परसेंट भाग बनाएगी? 60%। कितना परसेंट? क्लियर। अब बात करो प्रोस्टेट ग्रंथि की। बोलो भाई पीएच कितना? लगभग 6.8, 7 के आसपास। हल्का अम्लीय या क्षारीय, एक प्रकार से दूधिया पारदर्शी द्रव होता है। दिया होगा मतलब इसमें, इसके अंदर ये मिला हुआ ना फ्रक्टो सुगर, इस कलर से फाइब्रिनोलाइसिन। हाँ मतलब एक ग्रंथि होती है जो जिसके ऐसे पांच लोब, जैसे ये मान ले नली है, मतलब कौन सी नली है? स्कलन वाहिनी वाली। तो इसके बाहर ऐसे मतलब इस प्रकार से एडजस्ट रहते हैं, तो आपको बाहर की तरफ तीन तो दिखते हैं, अंदर कितने हैं? नहीं बाहर की तरफ दो दिख गए, इधर कितने हैं? ऐसे ऐसे जकड़ जाती है, और इसमें से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है जो ऐसे यहां पे इस नली में लाके अपना स्राव डालेंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो कैल्शियम होगा, फॉस्फेट होगा, फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनो मतलब जो स्कंदन हुआ है उसको बाद में तोड़ेंगी, स्कंदन को वापस घुलित अवस्था में लेकर आएंगी। स्कंदन कारक होते हैं, लगभग 30% भाग बनाता है, साइट्रिक अम्ल होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई बल्बो यूरेथ्रा ग्रंथि,
वल्वो यूरेथ्रल जो ग्रंथि है इसका स्राव भी कैसा होता है, लस लसलसा पारदर्शी द्रव, लसलसा पारदर्शी द्रव, लसलसा पारदर्शी द्रव। पीएच कितना होगा? 7.4। स्नेह कारक उपस्थित होते हैं, स्नेह कारक उपस्थित होते हैं। क्यों? जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो जो रगड़ लगेगी उस रगड़ को क्या करेगी? कम करेगी। और यह मूत्रजनन पथ को उदासीन करती है और लगभग 10% भाग बनाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई आना तो बोलो। जी मैंने थोड़ी है, यहाँ पे कोई भंडारा थोड़ी है जो ऐसे बैठे हाँ बस सर दे देंगे पत्तल हम खा लेंगे। मस्त राग रहो यार। सिलेक्शन एनर्जी के साथ पढ़ाई करने से होता है, सिलेक्शन एनर्जेटिक होगे बिल्कुल पॉजिटिव मूड से, फिर पढ़ने से चीजें आती है। कहते ना अगर अपन रोते रोते पढ़ेंगे तो रोते हुए को तो आदमी सामने वाला बाहर गालता भाई मिलेगा। खुश होके पढ़ोगे तो चीजें इजीली याद होंगी, और दुखी मन से पढ़ोगे तो जो याद है वो भी चली जाएंगी। बोलेंगे ये तो दुखी रहता है, फर्स्ट दे भाई पहली बार में सब कुछ होता है, बाद में कुछ नहीं होता। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये कौन सी बात है सर? आज पहली बार है, मान लो ऐसे तो सगाई करने वाले आए हो उनको तो इंप्रेस नहीं कर पाया, फिर बोले तो फर्स्ट डे है दोबारा हो, दोबारा थोड़ी आएंगे वो लोग तुम्हारे लिए। कैसी बात करते हो यार तुम लोग। अब देखो अब बात करेंगे वीर्य या सीमन की। अब देखो वीर्य कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मैं कह दूं इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? शुक्राणु। क्या प्रेजेंट होते हैं? शुक्राणु। क्या प्रेजेंट होंगे? शुक्राणु। बोले तो स्पर्म। क्या होगा? स्पर्म। ये कहां से आए? एक एक चीज लिख देता हूं भाई। इनका निर्माण कहां पे हुआ? वर्षण से। वर्षण से कौन आए? शुक्राणु। कौन आए? शुक्राणु। क्लियर हुई कि नहीं हुई चीज? अगली बात, अब जो वर्षण से अधिवर्षण में इकट्ठे हुए, अधिवर्षण से जो शुक्र वाहिका, शुक्र वाहक या शुक्र वाहिका इसको लेके आ रही थी, इसको मूत्र वाहिनी के पीछे से, मतलब जैसे बाहर अपना ये वर्षण कोष है तो इसमें से ऐसे जाएगी और अंदर जो मूत्र वाहिनी अंदर है उसमें से घूम के वापस बाहर निकल के आती है। अब देखो तो मैं कह दूं यहां पे अपन बात कर लें। सबसे पहले इसको क्या मिलेगा रास्ते में? शुक्राशय। क्या मिलेगा? शुक्राशय। तो यहां जो शुक्राशय का स्राव आ गया, शुक्राशय स्राव, क्या मिल गया? शुक्राशय का स्राव। चीज क्लियर? अब देखो शुक्राशय के स्राव के बाद स्खलन वाहिनी आई, और स्खलन वाहिनी के ऐसे क्या है? प्रोस्टेट। तो अब क्या मिलेगा? प्रोस्टेट का स्राव। क्या मिलेगा बोलो भाई? क्या मिलेगा? प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि स्राव। अगला बोल भाई, प्रोस्टेट के बाद किसका स्राव मिलेगा? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव, ग्रंथि का स्राव। इस प्रकार से क्या बनेगा? वीर्य बनेगा। अब देख लेना बात, शुक्राशय स्राव कहां से आया? शुक्राशय से। कहां से आया? शुक्राशय से। कहां से आया? शुक्राशय से। बोल कैसा होगा? फटाफट बोल बोल भाई कैसा होगा? क्षारीय। बोल जल्दी क्या क्या प्रेजेंट होगा इसमें? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन, फाइब्री नोजन, कैल्शियम, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। बोल और क्या प्रेजेंट होगा? स्कंदन कारक हो गए, स्कंदन कारक की बात कर ली, फाइब्रोजन स्कंदन कारक ही है, ये चीजें प्रेजेंट होंगी। अब इसके बाद क्या मिलेगा? प्रोस्टेट। क्या मिलेगा बोल भाई? कैसा? मैं कह दूं क्षारीय है, हल्का अम्लीय है, कैसा या हल्का? बोल फटाफट, अम्लीय है। इसमें क्या क्या मिलेगा? अरे बोल दे, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनो
लाइसिन, स्कंदन कारक, स्कंदन कारक, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम हो गया, फोस्फेट हो गया। ज्यादा मात्रा में जो कैल्शियम है ये कहां से निकलेगा? प्रोस्टेट से। कहां से निकलेगा? ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कहां से मिलता है? प्रोस्टेट से। कहां से मिलता है? प्रोस्टेट से। ये चीजें मिल गई, बोल इससे इससे क्या मिलेगा? ये है क्षारीय स्राव। क्या है? क्षारीय स्राव, क्षारीय स्राव। इस प्रकार से क्या बन गया? स्पर्म बन गया। क्या बन गया? मतलब सीमन बन गया, वीर्य। क्या बन गया? सीमन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सीमन में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? फटाफट से लिख लो, बना लो फटाफट से। अरे याद हो रहा नहीं हो रहा? ट्यूशन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कहां से निकलेगा? प्रोस्टेट से। कहां से निकलेगा? टिक लगा ना, दो टिक कैल्शियम के ऊपर, दो डबल टिक लगा लेना उस वाले कैल्शियम के। यहां तो कोई बहुत कम मात्रा में निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो, अब इसके ऊपर डबल टिक लगा लेना। कैल्शियम यहां पे ज्यादा मात्रा में मिलता है, ऐसे लिख लेना। अगर क्वेश्चन आ जाए कैल्शियम कहां से मिलेगा तो आपको टिक लगाना है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या लगाना है? क्या हुआ? बैक में क्या रह गया? प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों से निकलता है। हाँ चले, हो गया। अब देखो ये चेंज कैसे हुआ, ये चेंज कैसे हुआ भाई? अब देखो, तेरे को तो सभी सही लगते हैं। अब देखो, अपन बात करें थे वीर्य की। सबसे पहले बात करते हैं पीएच कितना होता है? 7.3। कितना होता है बोले तो? कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। अब देखो, इसमें शुक्राणु कितने होते हैं? या मात्रा की बात करें, कितना अमाउंट में कितना होता है? अमाउंट की बात करते, मात्रा की बोलो भाई, कितना होगा? मात्रा लगभग 3 से 4 ml पर स्कलन। एक बार में कितना? लगभग 3 से 4 ml। शुक्राणु की संख्या कितनी होगी? शुक्राणु की संख्या देखो, लगभग मैं कह दूं 200 से 300 मिलियन, 200 से 300
मिलियन पर स्खलन, मिलियन पर स्खलन, पर स्खलन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, और 1 करोड़ में 1 करोड़ बराबर कितने होते हैं, 1 करोड़ बराबर 16 लाख, तो इसको चेंज करो भाई, इसको करोड़ में चेंज करो, 200 मिलियन में कितने करोड़ होंगे बोलो, 200 मिलियन में कितने करोड़ होंगे, पहले तो इसको लाख में चेंज करो, 10 से गुणा करो, 10 से गुणा करो तो इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000, अब 100 का भाग दो, 20 से 30 करोड़, तो करोड़ में कितने हो गए 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़, चले। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होगा, एक नॉर्मल की बात करते हैं, वो तो बात थी एक आइडियल की, नॉर्मल स्पर्म काउंट, फिर कह रहा हूं भाई वीर्य अलग चीज है और शुक्राणु अलग चीज है, शुक्राणु युग्मक है, शुक्राणु क्या है, नर युग्मक, और वीर्य पूरा के पूरी ग्रंथियों का स्राव, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, शुक्राणु। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होगा, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है 20 मिलियन से लेकर 120 मिलियन पर एमएल, पर एमएल, ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है, वो एक आइडियल स्पर्म काउंट था। अगर मान लो 20 मिलियन से कम हो जाए शुक्राणु की मात्रा, 20 मिलियन से कम शुक्राणु हो जाए तो उसे बोलते हैं ओलिगो स्पर्मिया, क्या बोलते हैं, ओलिगो स्पर्मिया, ओलिगो स्पर्मिया, क्या बोलेंगे इसे, ओलिगो, ओलिगो स्पर्मिया, ओलिगो स्पर्मिया, ओलिगो स्पर्मिया। अगर मान लो वीर्य के अंदर शुक्राणु एब्सेंट हो जाए उसे बोलते हैं एजो स्पर्मिया, क्या बोलते हैं, एजो स्पर्मिया, एजो स्पर्मिया, एजो स्पर्मिया, ये टर्मिनोलॉजी याद रख लेना, टर्मिनोलॉजी, एजो स्पर्मिया का मतलब एबसेंट, एजो का मतलब एबसेंट, एबसेंट हो गए, और ओलिगो स्पर्मिया का मतलब कि शुक्राणु की संख्या 20 मिलियन से क्या हो गई, कम और बिल्कुल एबसेंट, तो क्या बोलेंगे, एजो स्पर्मिया। देखो फटाफट, चले 20 मिलियन से कम, मिलियन, एम आई एल, मिलियन, एम आई एल लिखते मिलियन को शॉर्टकट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक नोट की बात करते हैं, नोट की अपन बात करेंगे कि जो वीर्य है इस वीर्य में कम से कम जो 60% शुक्राणु है, 60% शुक्राणु, उनकी आकार एवं आकृति सही होनी चाहिए, 60% आकार और आकृति में क्या होनी चाहिए, सही, और 40% शुक्राणु क्रियाशीलता में कम से कम सही होने चाहिए। मैं कह सकता हूं यहां से मैं कह सकता हूं कि 60% शुक्राणु की आकार एवं आकृति, आकार व आकृति सही होनी चाहिए, आकृति सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, होनी चाहिए,
और 40% शुक्राणु, 40% शुक्राणु जनन के लिए, उच्च क्रिया जनन के लिए उच्च क्रियाशीलता वाले होने चाहिए, उच्च क्रियाशीलता वाले होने चाहिए, उच्च क्रियाशीलता वाले होने होने चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, जनन हो पाएगा। मैं कह दूं 60% तो साइज और शेप में क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, और 40% कम से कम उच्च क्रियाशीलता वाले होने ही चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, जनन, अदरवाइज जनन नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भाई वीर्य का पीएच कितना होता है, 7.3। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय, कैसा होता है, क्षारीय। कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज। क्या काम करेगा, ऊर्जा का स्रोत, क्या है, ऊर्जा का स्रोत। बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि कितनी होती है, पेड़ होती है। प्रोस्टेट कितनी होगी, एक। और क्या बोलते हैं, शुक्राशय कितने होंगे, दो। प्राथमिक जनन अंग कौन है, नर में, वर्षण। इसके अलावा सब सहायक। 10 क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए, देख लो। ये तो फेमस क्वेश्चन है कि बताइए मतलब वीर्य में शुक्राणु की संख्या होती है 200 से 300 मिलियन। और पिक्चर भी तो है ना, 3 इडियट, उसमें बोलते हैं ना कि पैदा होने के लिए भी एक रेस लगती है, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु रेस लगती है, उनमें से जीतता कौन है, एक। अब उन 200 से 300 मिलियन में से 60% की तो आकृति और आकार क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और 40% की उच्च क्रियाशीलता होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, जनन हो पाएगा, अदरवाइज जनन नहीं हो पाएगा। आजकल आप देखते हो खान पान की वजह से जो नर है उनके अंदर इनकैपेबिलिटी पाई जाती है। आप लगभग 50% लोगों का नॉर्मल स्पर्म काउंट भी नहीं है, इसकी वजह है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, क्या बोलते हैं, असहज लाइफ स्टाइल। रात को सो रहे हैं, रात को उठ रहे हैं, फिर सुबह सो रहे हैं, सुबह को उठ रहे हैं, खाने के टाइम में सो रहे हैं, सोने के टाइम में घूम रहे हैं, घूमने के टाइम में खा रहे हैं, जहां भी जगह मिली वहीं बैठ के खा रहे हैं। पहले वाला आदमी को देखा था कितना उनका सहज रूप से लाइफ स्टाइल था, अपने लाइफ स्टाइल के साथ कोई वो बिल्कुल भी वो नहीं करते थे, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते थे। और आजकल तो बस पता नहीं मार्केट में कितने प्रकार के तो फूड आ गए, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, ये खाने से स्पर्म काउंट कम होता है। लो कैटेगरी के जो सॉस मिलाते हैं, जो सॉस खा रहे हो वो भी बिल्कुल घटिया कैटेगरी के हैं। अरे गोलगप्पे तो घटिया क्वालिटी थोड़ी है, लड़कियों को पूछ के देख, गोलगप्पे घटिया क्वालिटी के क्या, गोलगप्पे वाले भैया को तो नंबर वन मिलेगा, वो तो घटिया थोड़ी हो सकता गोलगप्पे वाला। लगता है भारत में तेरे जूते खाने की इच्छा हो रही है। तू गोलगप्पे नहीं खाता इसका मतलब थोड़ी कि गोलगप्पे वाला खराब हो गया, फिर गोलगप्पे की बुराई क्यों कर रहा है भाई। तेरी बहने भी है लाइव ले रही है सब, फालतू में उनसे पिटने की इच्छा हो रही तेरी, इस तरह गोलगप्पे वाले भैया के पास गोलगप्पे खाने से भी स्पर्म काउंट कम हो रहा है। कैसी कैसी बातें सोच लेते तुम लोग। अब देखो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अपन ने जाना किसको, जाना बोल भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि जो नर मतलब प्रजनन तंत्र है उसमें सबसे पहले प्राथमिक, उसके बाद सारे क्या है, सहायक, सहायक में सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि, और बाह्य जननांग कौन है, शिश्न। अब देखो सहायक नलिका कौन कौन सी है, अधिवर्षण, बोलो शुक्रवाहिका, बोलो भाई वर्षण जालक, शुक्रवाहिका और स्खलन वाहिनी। सहायक ग्रंथि बोलो भाई प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, बाह्य जननांग
अब देख सहायक ग्रंथियों की बात करते भाई, पहली बोल, अरे बोल, शुक्राशय, इसके बाद प्रोस्टेट, इसके बाद बल्बोयुथल, इसकी संख्या दो, इसकी एक, जिसके पांच लोब, दो बाहर दिखते तीन अंदर होते हैं, और इस ये दो होती पेड़, इसका स्राव क्षारीय है, 7.3 pH, 6.8 हल्का अम्लीय और क्षारीय स्राव। यहां बात करो भाई, फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेगी, कैल्शियम, फाइब्रोनोजन और प्रोस्टा ग्लैंडिन। यहां पर कैल्शियम, फॉस्फेट, फाइब्रोलाइसिन, स्कंदन कारक, साइट्रिक अम्ल, प्रोस्टा ग्लैंडिन। यहां पर क्या, एक क्षारीय स्राव होता है जो मूत्रजनन पथ को उदासीन, क्यों, उसकी अम्लता को खत्म करता है। इसके बाद अपन ने बात की कि वीर्य का निर्माण कैसे होता है, कि वीर्य में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले शुक्राणु, शुक्राशय का स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि स्राव और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव। सबसे पहले बात करते हैं शुक्राणु कहां से आते हैं, वर्षण से। शुक्राशय का स्राव कहां से आएगा, शुक्राशय से। कैसा होता है, क्षारीय। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव कहां से आएगा, प्रोस्टेट से। कैसा होता है, हाँ भाई, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव, क्षारीय। क्लियर। अब देखो यहां से क्या बना, वीर्य बना, इसका पीएच कितना होगा, 7.3। मात्रा कितनी होगी, 3 से 4 ml पर स्खलन। शुक्राणु की संख्या 200 से 300 मिलियन पर स्खलन। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 करोड़ में 16 लाख, तो 20 से 30 करोड़ टोटल हो चुकी है। अब देख फटाफट आगे बात की थी अपन ने, अगर नॉर्मल काउंट की बात की थी, किसकी बात की थी, नॉर्मल काउंट कितना होता है, 20 मिलियन से 120 मिलियन पर ml। अगर 20 मिलियन से कम हो गया काउंट, इसे बोलेंगे क्या, ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे, बोलो, अगर काउंट एबसेंट है ही नहीं शुक्राणु, क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया। 60% शुक्राणु आकार और आकृति में क्या होना चाहिए, परफेक्ट। 40% हाई एक्टिव होने चाहिए। इसके बाद किसकी बात की थी बताओ, यहां तक अपन ने बात कर ली, कोई डाउट किसी को, क्या साठ परसेंट वो तो लेबोरेटरी में जब आप टेस्ट कराते हो स्पर्म काउंट का, तो वहां से पता लगता है कि आपकी स्पर्म कैपेबल है या इनकैपेबल है। कई बार क्या होता है, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल भी इनकैपेबल हो सकती है और मेल भी इनकैपेबल हो सकता है, लेकिन आज की डेट में लगभग लगभग मैं कह दूं 50 से 60% मेल इनकैपेबल है, जिनका स्पर्म काउंट 20 मिलियन से भी कम है। लेकिन भाई समाज कैसा है, पुरुष प्रधान, टेस्ट ही नहीं करवाने जाते, फालतू में ही महिलाओं को ब्लेम करने लग जाते हैं, समझ गए। तो आगे की चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।